हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ पोहे का रेसिपी, जो कि महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस ये नाश्ता है। ब्रेकफास्ट में बहुत ही चलता है ये, और ये सिंपल तरीके से बनाते हैं। इसमें प्याज बहुत ज़रूरी होता है, जिसको कांदा बोलते हैं। महाराष्ट्र में प्याज को कांदा बोलते हैं, तो इसका नाम है कांदे पोहे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कांदे पोहे बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। यहाँ पे लिया है हमने मूंगफली, जिसको महाराष्ट्र में सिंगदाना बोलते हैं, और ये है धनिया के पत्ते, कड़ी पत्ते जिसको मीठी नीम भी बोलते हैं, और ये है राई और हरी मिर्च, और सूखी दो लाल मिर्च भी हमने ले लिया है, और ये है गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा अनार का दाना। और ये देखिए बारीक काट लिया है हमने प्याज को, और वो है पोहा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं पैन, और पैन गरम हो चुका है, तो अब इसमें हमें तेल डाल लेना है। तेल डालने के बाद देखिए, सबसे पहले हम इसमें राई और लाल मिर्ची डाल लिए हैं। तो अब इसको हम अच्छे से गरम होने देते हैं, और जब तक हमारा तड़का गरम हो रहा है, तब तक चलिए हम पोहे को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये पोहा है ना, इसको हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से इसको सर्व करना है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे नमक और थोड़ा सा हल्दी आधा चम्मच, क्योंकि इसे हम फिर फ्राई करेंगे उसी तड़के के साथ, तो हल्दी का जो कच्चापन है वो नहीं रहेगा इसमें। और ये धनिया के पत्ते, और इसमें आप चाट मसाला या नींबू भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं चाट मसाला या नींबू नहीं डाल रही हूँ, पर आप डालिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है नींबू से, या चाट मसाला का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमने सारे पोहे को मिक्स कर लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे तड़का तैयार हो गया है। तो इसमें हम कड़ी पत्ता थोड़ी देर बाद डालेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें हम मूंगफली और प्याज को डालकर भूनेंगे, क्योंकि कड़ी पत्ता जब हम शुरू में ही डाल देते हैं तो तेल पूरा उड़ने लगता है, और कड़ी पत्ता भी जल जाता है, तो कड़ी पत्ता का जो टेस्ट है ना, वो उतना कोई खास नहीं रह जाता है। तो थोड़ा देर प्याज और मूंगफली को हम फ्राई करने के बाद इसमें कड़ी पत्ता देखिए हम डाल लेते हैं, और मिर्ची भी हमने डाल लिया है। तो फ्रेंड्स, कांदे पोहे में कांदे जो है ना, प्याज जो है ना, उसको हम लाल फ्राई नहीं करना होता है, हमें थोड़ा सा मतलब कच्चा कच्चा सा ही रखना होता है, हाफ फ्राई ही करना है इसे। तो ये देखिए हाफ फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम पोहा मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मिक्स पोहा है, और इसका एक खास बात ये है फ्रेंड्स, कि जो हमने इसमें हल्दी ऐड किया था ना शुरू में, वो हल्दी का कलर तब आता है इसमें जब पोहा अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। एकदम लास्ट में आप देखोगे ना, तो ये पीला हो जाएगा, पूरा हल्दी का कलर पूरे पोहे में निखर के आता है लास्ट में। अभी ये वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, पर लास्ट में आप देखोगे ना तो एकदम पीला पीला सा हो जाएगा। इसका आप ये मैजिक बोलिए या कुछ भी, पर ये इसका एक है खास बात। तो ये देख लीजिए, अब पीला हो गया है ना धीरे धीरे, क्योंकि हमने हल्दी मिक्स किया था ना पोहे में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये कलर आने लगा है इसमें हल्दी का, और लगभग फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। ये देखिए हम गैस को बंद कर लिए हैं, और इसकी गार्निशिंग शुरू करते हैं। जो गार्निशिंग है वो हम धनिया के पत्ते और अनार से करेंगे। अनार डालकर एक बार आप ज़रूर ट्राई करो पोहा, बहुत ही अच्छा लगता है अनार के दाने के साथ पोहा। वो खट्टा मीठा सा एक अलग सा ही टेस्ट आ जाता है, और बहुत ही टेस्टी लगता है। जबकि फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में जो पोहा बनता है उसमें अनार का दाना यूज नहीं करते हैं लोग। यहाँ पर जो पोहा बनता है सिर्फ कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता और राई के साथ बनता है, और प्याज के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है महाराष्ट्र का पोहा। पर मैं थोड़ा सा अपने तरीके से आपको बता रही हूँ, ये तरीका अपना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। और ये है बारीक वाला सेब, बारीक वाला सेब, अनार और धनिया पत्ते से इसकी गार्निशिंग हमने कर ली है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं खाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना लाजवाब पोहा बनकर तैयार है। और महाराष्ट्र में जो पोहे बनता है ना, उसके साथ चाय लोग बहुत पसंद करते हैं। तो कांदे पोहे और चाय महाराष्ट्र का फेमस है। तो चलिए अब हम सर्व कर रहे हैं खाने के लिए। ये देखिए, इसी तरह से आप भी किसी को खिला
खिला सकते हैं बनाकर, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।